हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. इट्स माय फर्स्ट करवा चौथ टुडे, शादी से पहले वो भी. सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, ऑलमोस्ट 3:50, और सर्गी का टाइम है. सो मैंने अपना रेड सूट ले लिया है, नीचे जा रही हूँ. नीचे वाले फ्लोर पे अपनी मामी के साथ में सर्गी खाऊंगी, क्योंकि अकेले नहीं खाते हैं सर्गी. और नहाना है सबसे पहले. सो उसके बाद मैं आज आपको अपना पूरा दिन दिखाती हूँ. लेट्स गो. नहा चुकी हूँ, मैंने पहन लिया है रेड कलर, द कलर ऑफ लव. और अभी सुबह सुबह ना, एक तो आदत नहीं है उठने की, बिल्कुल एनर्जी नहीं हो रही कुछ भी बोलने की. बस ऐसा हो रहा है सर्गी खाओ और मैं सो जाऊँ अभी, क्योंकि मैं इतनी सुबह नहीं उठती हूँ कभी भी. सो यस, एंड यस, दिस इज माई मेहंदी. सो फिर से नीचे जाती हूँ, सर्गी खाती हूँ फटाफट, एंड मैं आपको दिखाती हूँ. यह सर्गी जो सास के घर से आती है, 5 तरीके के फ्रूट, 5 तरीके की मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, मट्ठी, और ये सेवैयाँ बना दी है मामी ने, और रोटी मतलब पराठा आप खा सकते हो, और फिर थोड़ी सी सब्जी. अब रखा बहुत सब कुछ है, लेकिन इतनी सुबह सुबह खाने का कुछ भी मन नहीं करेगा. गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप लोग? सो आज है मेरा फर्स्ट करवा चौथ, शादी से पहले जैसे रखना शुरू कर देते हैं रिश्ता पक्का होने के बाद. सो ये है मेरी करवा चौथ की मेहंदी. और जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सुबह उठ के मैंने सर्गी खाई और उसके बाद मैं सो गई, और सो के मैं अभी उठी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ. ये मैंने सुबह सर्गी के टाइम पे सूट पहना था, ये मुझे मेरे रोके पे मिला था, तो बेसिकली मेरे ससुराल से ही आया था. एंड इसके साथ अभी मैंने ये इयररिंग्स पहन ली है, कुछ मेकअप नहीं किया हुआ अभी, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी ऐसे हालत भी नहीं हो रही है. बट अभी बज रहे हैं आई थिंक 12:30 टाइप्स हो रहे हैं. मैं मेकअप अभी करूंगी, उसके लिए तैयार होना है मेरे को. सब किसके लिए? पूजा के लिए तैयार होना है. तो पूजा के लिए तैयार होने में जो मेरे ससुराल से सूट आया है वही पहनना है, जो मेकअप आया है वो लगाना है, चूड़ियां पहननी है, और फिर प्रॉपर से रेडी होके पूजा के लिए जाना है. और प्लान यही है कि अभी 4 बजे करीब पूजा के लिए तैयार होना है, जाना है, और फिर शाम में डिनर पे जाना है, फिर मुझे मेरी सास को करवा चौथ देने जाना है. सो जो मैं उनको सूट दे रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. आई डोंट नो उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट हमने बहुत अच्छे से लिया है कि जो उनको पसंद आए वो मैं आपको शाम में दिखाऊंगी कि उनको कैसा लगा, उनको पसंद आया या नहीं आया. सो मैंने सोचा मेरा फर्स्ट करवा चौथ है तो मैं क्यों ना ये पूरा व्लॉग करूँ. अच्छा, मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ जो मैं आज पहनने वाली हूँ. सो ये है. सो एक सूट जो एक तो मेरे को मतलब ये तो मुझे सिलवाना पड़ेगा, सो तो मैं आज नहीं पहन सकती, बट आई जस्ट लव दिस कलर. सो ये ऐसे करके पूरा सूट आएगा और उसकी मस्त चुन्नी आएगी यहाँ पे, बट ये मैं भी सिलवा मतलब अभी तो ये सिलवाने वाला है. एंड ये वाला सूट आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है. सो ये इसकी सुंदर सी चुन्नी होगी, अभी पहन के मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी. बट सूट मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, मस्त एकदम गर्लिश वाइब वाला, क्योंकि मुझे वो थोड़ा लेडीज टाइप वाइब बिल्कुल नहीं पसंद. अब ये देखो, ये चाहे रेड है बट इसमें बहुत एक गर्लिश वाली वाइब है. सो अभी थोड़ा जब तक हम गर्ल है गर्लिश वाली वाइब रखते हैं, फिर जब बड़े हो जाएंगे फिर लेडीज वाली तो जिंदगी भर रखनी है. सो उसके लिए आई जस्ट लव दिस पीस, बहुत ही बढ़िया है. और इसमें ना नीचे ऐसा कट है, सो आई थिंक पहन के बहुत ज्यादा मस्त लगेगा. इसको मैं एक्सेसराइज करूंगी अच्छे से. और सर्गी में मैंने आपने देखा है कि मैंने बहुत कुछ खा लिया था, सो खाने का भी कोई भी लोड नहीं है कि मुझे कुछ बहुत भूख लग रही है, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है. और देखो फिर उतनी प्यास लगने के बाद भी मैं कितनी मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, जबकि मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है. मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा प्यास लग रही है. बट आज जैसे अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो हमारे में स्टार्स को देख के फास्ट ओपन कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से अराउंड 6 बजे तक स्टार्स आ जाते हैं, तो मैं 6 बजे खा सकती हूँ. मुझे चांद का वेट नहीं करना है अभी, सो उसके लिए तो मैं जल्दी खा सकती हूँ. सो कोई बढ़िया सा कैफे सर्च कर रहे हैं जहाँ हम जाके खाएं अच्छे से. और मैं अभी अपना टाइम पास करने के लिए बिग बॉस देखने वाली हूँ. बिग बॉस देख के मेरा कम से कम 1 घंटा तो आराम से बीत जाएगा, ना मुझे कुछ बोलना पड़ेगा ना मुझे कुछ करना पड़ेगा. मेरी सर्गी के लिए जो मेरे ससुराल से आया था वो मैंने सब कुछ खोल के इधर उधर कर दिया है, पर उसका मैंने एक पिक्चर लिया था, एक वीडियो लिया था, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. जो भी आना होता है लाइक 5 फ्रूट्स, 5 तरीके की मिठाई, 5 तरीके के ड्राई फ्रूट सूट, ये सब चीजें जो भी आना होता है वो सब मैंने ऐसा वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो. सो अभी चलते हैं बिग बॉस देखने, बट उससे पहले मैं अपनी सास का सूट दिखाती हूँ जो मैंने लिया है. बट ये मैंने पता नहीं रख के कहाँ भूल गई है, और ये उठ भी नहीं रही है. उठ जाओ मम्मी, आज फास्ट मेरा है और आलस मम्मी को आ रहा है. देखो
यहाँ एकदम आलस में भरपूर चूर है, मुझे कह रही है पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत आलस आ रहा है। हमारा घर पूरा फैला हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है आज, ना झाड़ू ना कुछ, ना ये देख रहे हो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है आज। सो आज मम्मी पूरे आलस वाले जोन में है, बट मैं भी आपको अपनी सास का सूट दिखाती हूँ। मेरी मम्मी ढूंढ रही है सूट, तब तक ये मेरी लाइफ का फर्स्ट फास्ट है। मैंने कभी इन माई इंटायर लाइफ, लाइक आई एम 24, 25 ही मान लो, 6 महीने बाद मेरा बर्थडे है, 24, एंड मैंने अभी तक कोई भी फास्ट नहीं रखा है अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं। एंड आई नो फास्टिंग इज़ वेरी गुड, लाइक अगर आप फूड डाइट पे या फिर वाटर डाइट पे पूरे दिन बिना कुछ ऐसा खाए पिए तो हमारी बॉडी को ना, जो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स मिलता है, लाइक एक दिन की छुट्टी मिलती है जैसे हमें चाहिए होती है। बट हम रोज बहुत अटरम शटरम खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसी की मेहनत में उसको प्रोसेस करने में लगी रहती है, डाइजेस्ट करने में लगी रहती है। तो जिस दिन हम नहीं खाते उस दिन हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। और बोलते हैं ना, जिस दिन जिसका फास्ट होता है उनका फेस अलग से ग्लो करता है, दे लुक ब्यूटीफुल ऑन दैट डे, दैट इज बिकॉज उनका बॉडी एकदम उस दिन फ्रेश हो जाता है। एंड आई थिंक आज बिना मेकअप के, वैसे मेरे इतने डार्क सर्कल्स हैं, मैं सेम लाइट में सेम व्यू में वीडियो बनाती हूँ और मेरे डार्क सर्कल्स चमक चमक के आते हैं, और आज सेम लाइट है, सेम ये, या तो मैंने रेड कलर पहना इसीलिए, या फॉर सम रीजन मैंने कुछ नहीं खाया इसीलिए मेरा फेस एकदम क्लियर आउट दिख रहा है, डार्क सर्कल्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, और एकदम मतलब एक फेस का ना एक इवन टोन सा दिख रहा है मुझे। सो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये चीज़ देख के। तो मैं हमेशा से फास्ट सोचती थी कि यार मैं रखूंगी बट नहीं रखा। बट अगर आज का फास्ट मैंने पूरा अच्छे से सक्सेस किया तो फिर मैं महीने में एक बार फास्टिंग ज़रूर किया करूंगी। बट आज तो जैसे मुझे पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, वो मैं वाटर और फ्रूट वाला रखा करूंगी कि मैं पूरे दिन पानी पी रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, ऐसा। सो इट्स वेरी गुड। सो अगर ये वीडियो देख रहा है जो अनमैरिड है, डू फास्टिंग, तो फिर करवा चौथ वाले दिन आपको ऐसा झटका नहीं लगेगा, आप बहुत ज्यादा यूज टू हो गए फास्ट रखने के। सो मैं अभी दिखाती हूँ आपको सूट, मम्मी पता नहीं ढूंढने में 1.5 साल निकाल देगी। आज मुझे शाम में जाना है, बेसिकली ना मेरे जो इन-लॉज है वो जाट है, दे आर फ्रॉम हरियाणा और हम पंजाबी हैं। सो जाटों का और पंजाबियों का कॉम्बिनेशन एक ब्लास्ट ही होता है, मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, पंजाबी और जाट मतलब बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमारे कल्चर्स में बहुत इंडिफरेंस है, जैसे उनमें सरगी नहीं खाते, हमारे में खाते हैं। तो बट मेरी सास देने आई कि चलो मेरे में अगर होता है और मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है, तो उन्होंने वो कल्चर किया। उनमें सुबह उठ के कुछ भी नहीं खाते, वो लोग 1 बजे कथा सुनने के बाद खाते हैं, लाइक फ्रूट्स या फिर जूस कुछ भी। और हमारे में सुबह सरगी खा लेते हैं, उसके बाद कथा सुनने के बाद, आई थिंक मम्मी हम पीते हैं क्या पानी वानी कथा सुनने के बाद? जूस चाय एक वो हम कर सकते हैं। तो मेरी सास को भी बड़ी टेंशन, वो बार बार मुझे ये कहती कि बेटा तू 1-2 बजे अगर तुझे प्यास लगे, भूख लगे, तो तू फ्रूट खा लियो, हमारे में खा लेते हैं, तू खा लियो। बट वही है कि चलो मैं देखती हूँ। तो हमारे में ना सास को पहले ही सरगी चली जाती है, बट उनके कल्चर में सास को मतलब सरगी नहीं देते क्योंकि वो खाते तो है नहीं, तो सूट देते हैं, सूट एंड जो भी उसके ऊपर मान होता है। तो इसलिए हम सूट लेके आए हैं, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। सूट हमें मिल चुका है, टंटना। सो ये सूट है, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी सास को ये काफी अच्छा लगेगा, कलर टेक्सचर आपको पता होगा ये आजकल बहुत ज्यादा चलता भी है। सो ये वाला हमने लिया है, इसकी चुन्नी मैं आपको पूरा स्टाइल करके दिखाती हूँ। ये है इसकी चुन्नी, मस्त लग रही है ऐसे तो, है ना। कलर भी बहुत प्यारा है, मतलब एक होता है ना कि आपका एज के अकॉर्डिंग जैसे है, तो ये पूरा ये टेक्सचर में सूट है, बहुत ही ज्यादा मस्त है ना, मस्त लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। तो ये हम देने वाले हैं मैं जाके अपनी सास को, एंड यस अब मैं बिग बॉस देखती हूँ, फिर मैं बाद में आप लोगों को मिलती हूँ। पूरे सास श्रृंगार करके मैं रेडी हो गई हूँ, एंड दिस इज माई लुक फॉर करवा चौथ। बहुत मिनिमल सा रखा है बिकॉज जो सूट है वो काफी डार्क है, तो मैंने जो मेकअप है अपना थोड़ा पीची न्यूड सा रखा है, लिपस्टिक में भी, एंड सेम सूट के कलर का साइड में से आईलाइनर लगा लिया, अगर दिख रहा हो आईलाइनर नहीं काजल ऐसे नीचे, एंड सेम सूट के कलर की लगाई है बिंदी, बहुत पिंकिश सा लग रहा है, मुझे तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोग बताना कि मेरे करवा चौथ का लुक आप लोगों को कैसा लगा, एंड मैं भी आपको अपना पूरा सूट का गेटअप दिखाती हूँ कि कैसा आ रहा है। So this is my final look, and now we are getting so late for the puja.
So I'm going and I am in love with this suit and my look. I'm so happy और बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, मुझे दिख रहा है मैं बहुत pretty लग रही हूँ and ये मेरा पूरा look है. So फटाफट जाते हैं पूजा पे, वहाँ पे आपको दिखाती हूँ. करवा चौथ की रस्म डन हो चुकी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है. बट अभी ये पूजा करने के बाद ना हम कुछ भी लिक्विड थोड़ा सा पी सकते हैं, चाय पानी या फिर जूस. तो अभी मम्मी गई है मेरी जूस लेने एंड मेरी सास के लिए जो सूट था वो हमने पैक कर दिया है. ये रहा सूट और शगुन की बिंदी और ये मट्ठी की टोकरी, मट्ठी नहीं क्या बोलते इसको, समझ गए ना आप लोग वही. तो ये वैसे उनमें रिवाज नहीं होता बट हमारे में होता है कि ये सास सास मतलब जो मुझसे बड़े हैं उनके घर में उनको खाना है, जो मुझसे छोटे हैं उनको नहीं खाना. ऐसा बोलते हैं जो बड़े खाते हैं उनके खाने से हमें आशीर्वाद मिलता है, तो उन लोगों को खाना है. नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम. स्टार्स निकले नहीं है, निकलने वाले हैं एंड जाके खाना खाएंगे अच्छे से कैफे ढूंढ के. मेरा करवा चौथ का गिफ्ट आया है, ये रहा. सब गैस कर रहे हैं तो मेरी मम्मी ने गैस किया क्या इसमें. आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मामी, आप बताओ. ड्रेस होगी तेरी, ड्रेस ऊपर से तो कुछ है ना. ओके पैकेट दोनों देंगे. क्यों कह रहे हैं मेकअप चेंज करके लाल साड़ी पहनो. यार आप हर बार इतनी कंजस्टेड सी पैकिंग क्यों करके आते हो. लैपटॉप है पर लैपटॉप में ये क्यों आएगा. डब्बा फटा सकते हैं ना, फटा सकते हैं ना. तेरा ये रील्स वगैरह बनाने का कुछ है. नहीं है रील्स का तो सब कुछ है मेरे पास, रिंग लाइट वो दो तीन चीजें हैं बट वो मेरे किसी काम की नहीं है. हाँ लैपटॉप है. तो ये तो लैपटॉप की डिमांड मुझे नहीं थी, मेरे मामा और मेरी बहन को थी. वो ही मैसेज करते हैं लैपटॉप का है, घर ले आई हो आज. थैंक यू गाइज. ये है नीला लैपटॉप जो मुझे मिला है. थैंक यू गाइज. मैं अपने ससुराल आ गई, रीते हमने कर ली, स्टार को देख के हमने फास्ट भी ओपन कर लिया. अब हम जा रहे हैं बाहर खाने. वैसे हमारा प्लान था बाहर डिनर करने का बट मेरे प्यारे से देवर जी उन्होंने घर पे खाना बनाया हुआ है हम लोगों के लिए भी और उन्होंने स्पेशल मटर पनीर बनाया है जो मुझे बहुत पसंद है. तो अभी हम बाहर आए हैं बस थोड़ा बहुत स्नैक्स टाइप खाने और फिर आज हम फैमिली डिनर करेंगे इनकी मतलब हमारी फैमिली के साथ. सो आई थिंक हम पहली बार साथ में डिनर करेंगे ना इससे बैठ के. लंच भी हमने कभी नहीं, मनीष भाई के साथ कभी लंच भी नहीं किया ना, तो हमारा पहला. हाँ मतलब वैसे आपके घर नहीं किया ना, हमारा पहला फैमिली डिनर होने वाला है. सो अभी हम कोई कैफे सर्च कर रहे हैं, फटाफट स्नैक्स कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी कुछ भी पी के डिनर करेंगे. एंड या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. इतना ही था. अब मैं वो लोग थोड़े शाय है तो मैं नहीं चाहती कि मैं खाना खाते टाइम उनका व्लॉग बनाऊं एंड वो लोग थोड़ा सा एम्बैरेस फील करें, इसलिए अब आगे कोई भी वीडियो नहीं डालूंगी, यहीं पे वीडियो खत्म होती है. बहुत सारा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो. आई लव यू सो मच, बाय.